गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 4 एडिशन। इसमें हम कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम। चैप्टर 4 एडिशन, ADDITION एडिशन। इसमें हम कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम, PROBLEM, वर्ड प्रॉब्लम। इसके हमने 2 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे वी विल लर्न सी, क्वेश्चन सी। साहिल कलेक्टेड SAHIL, साहिल कलेक्टेड COLLECTED, कलेक्टेड 76 स्टैंप्स, STAMPS, स्टैंप्स। साहिल कलेक्टेड 76 स्टैंप्स एंड अन्नू कलेक्टेड COLLECTED, कलेक्टेड 24 स्टैंप्स। हाउ मैनी स्टैंप्स HOW, हाउ MANY मैनी स्टैंप्स STAMPS, स्टैंप्स डिड दे कलेक्ट COLLECTED, कलेक्ट टुगेदर TOGETHER। एक बार ठीक से हम इसे रीड करेंगे। साहिल कलेक्टेड 76 स्टैंप्स, साहिल ने 76 स्टैंप्स कलेक्ट की। एंड अन्नू कलेक्टेड 24 स्टैंप्स, और जो अन्नू है उसने कितने स्टैंप्स कलेक्ट की? 24। अब ये पूछ रहा है हाउ मैनी स्टैंप्स डिड दे कलेक्ट टुगेदर, कि उन दोनों ने मिलकर टोटल कितनी स्टैंप्स कलेक्ट की। तो जहां मैंने आपको बताया था ऑल टुगेदर, टुगेदर आ जाता है और सबका पूछता है, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। सो सॉल्यूशन इज साहिल SAHIL, साहिल कलेक्टेड, साहिल स्टैंप्स, जो साहिल ने कितने स्टैंप्स कलेक्ट की थी? 76 कलेक्टेड COLLECTED। साहिल कलेक्टेड स्टैंप्स 76 एंड अन्नू कलेक्टेड स्टैंप्स, अन्नू ने कितने स्टैंप्स कलेक्ट की? 24। अब ये पूछ रहा हाउ मैनी स्टैंप्स डिड दे कलेक्ट टुगेदर, कि उन दोनों ने मिलकर कितने स्टैंप्स कलेक्ट की। तो क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। अब 6 में 4 प्लस करेंगे, हम 6 के आगे से काउंट करेंगे, 7 8 9 10, कितना आ रहा है? 10। तो 10 का 0 यहाँ आ जाएगा और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब 7 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 8,
और 8 में 2 प्लस करेंगे तो 9, 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 10, आगे कोई डिजिट नहीं है तो 10 पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, है ना, 7, 8, 9, 10, अंडरस्टूड। टोटल स्टैम्प्स आर, टोटल टोटल कलेक्टेड स्टैम्प्स इज 100, ओके, सो आवर आंसर इज 100, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज बी, देयर आर 36 क्रोस ऑन अ ट्री, टी एच ई आर ई, देयर आर 36 क्रोस, क्रोस मीन्स कौवे, ऑन अ ट्री, देयर आर 36 क्रोस ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर 36 कौवे हैं, 14 मोर क्रोस, 14 मोर क्रोस जॉइन देम, जे ओ आई एन ई डी, जॉइन, टी एच ई एम, देम, और 14 क्रोस और आ गए, ठीक है, 36 तो थे ही और उसके अलावा 14 कौवे और आ गए। हाउ मैनी क्रोस, अब ये पूछ रहा है हाउ, एम ए एन वाई मैनी क्रोस, सी आर ओ डब्ल्यू एस, क्रोस आर देयर, आर देयर, टी एच जी आर ई, देयर ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, एक बार केयरफुली से लर्न करेंगे, रीड करेंगे ठीक से, देयर आर 36 क्रोज ऑन अ ट्री, एक ट्री पर 36 क्रोज हैं, कौवे हैं, 14 मोर क्रोज ज्वाइन देम, 14 और उनके पास आ गए, 36 क्रोस के पास, हाउ मैनी क्रोस आर देयर ऑन द ट्री, ये पूछ रहा है हाउ मैनी क्रोस आर देयर ऑन द ट्री, कि टोटल अब सारे मिलाकर कितने क्रोस उस ट्री पर हैं, ठीक है, तो इसका मीन्स सबके लिए पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस। So our solution is क्रोस, C R O W S, क्रोस 36, ठीक है, मोर क्रोस, और क्रोस कितने हो गए, 14 क्रोस और आ गए, तो क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस, 6 में 4 प्लस करेंगे तो, 6 में 4 प्लस कीजिए, 7, 8, 9, 10, कितना आ रहा है, 10, 10 का 0 और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, अंडरस्टूड। हाउ मेनी क्रोज आर देयर ऑन द ट्री, टोटल क्रोज आर 50, टी ओ टी ए एन, टोटल, सी आर ओ डब्ल्यू एस, क्रोज आर 50, तो टोटल उस ट्री पर कितने क्रोज हो गए, 50, 50 इज आवर आंसर। सो चिल्ड्रन प्लीज डू both sums in your maths and also maths notebook and also book.
आपको ये बुक में भी कंप्लीट करना है और अपनी मैथ्स बुक में भी आपको पूरा एज इट इज आपको इसी तरह से आप क्वेश्चन भी उतारेंगे और उसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट करेंगे। तो आपको कॉपी में बुक में दोनों में ये वर्क करना है। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।